हेलो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो मैंने अपने स्टूडियो भाइयों के लिए बनाया, जिसमें जिन लोगों को फोटोशॉप तो आता है लेकिन कोरल में यूज़ करने में बहुत परेशानी होती है। सो कोरल एक ग्राफिक डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर है जो कि बहुत ज़्यादा इजी सॉफ्टवेयर है, और ग्राफिक डिजाइनिंग से रिलेटेड जैसे बैनर, विजिटिंग कार्ड, लेबल्स, ब्राउज़र, ये सभी की डिजाइनिंग कोरल सॉफ्टवेयर में जितनी अच्छी थी किसी और में नहीं हो पाती है। सो हमारे यूट्यूब चैनल पर सिर्फ 5 घंटे की वीडियो में आप पूरा कोरल 2 सीख पाएंगे। सो आज मैं आपको बेसिक्स बता रहा हूँ। सबसे पहले हमें कोरल 2 जब एडिट कर देते हैं, ये एरो की होती है, इसको सेलेक्ट करने के बाद में ही हम कोई भी कमांड चूज कर पाएंगे। सो सबसे पहले हम इसी को चूज करते हैं, इसको पिक्सल भी बोलते हैं। सो इसके बाद में क्या है, ये हमारा पेज है, यहाँ पे इस पेज की साइज डाली है। सपोज कि अभी मैंने इंचज में चूज करा था, तो यहाँ पे साइज का है 5x2x5 इंच। सपोज कि मैं इसमें A4 पेज का साइज डाल देता हूँ 11.25x8। तो ये हमारा बुक्स का पैटर्न तैयार हो गया, यहाँ पे ये प्रिंटिंग होगा। हमें जिस साइज में प्रिंटिंग करना है, इस बुक्स पर डबल क्लिक करना होता है, तभी हमारा उस डिजाइन बन पाता है। सो ये हमारी रेक्टेंगल टूल होगी। सो बेसिकली मैं आपको बेसिकली इसके अंदर जो जो टूल्स हमारी यूज होगी वो बता रहा हूँ। अभी इसके अंदर ये जो हमारी ड्राइंग रेक्टेंगल टूल, यानी कि इसे हम कुछ भी ड्रॉ कर सकते हैं, रेक्टेंगुलर, स्क्वायर, कोई भी। ये हमारी सर्कल टूल है, इसमें हम सर्कल की टूल, और इसमें हमारे एक्स्ट्रा कुछ टूल्स है जो कि हम हमारी आगे की वीडियोज़ में देखेंगे। सपोज कि अब हमें इसको ये जो बुक्स यूज़ किया है, बुक्स बहुत जरूरी है बनाना, नहीं तो हमें कलर नहीं देखेंगे। सपोज कि इसमें कलर देना, यहाँ पे जो भी ये कलर शो कर रहे हैं, यहाँ से हमें कलर लगेंगे। सपोज कि हमने ब्लू किया, कुछ सियान किया, येलो, रेड, जो भी कलर हम फिक्स करेंगे, उसमें जिसको सेलेक्ट करके हम राइट क्लिक करने पे उसको कलर हो जाएगा। उसके बाद में सपोज कि हमें कुछ भी टाइप करना है, तो यहाँ से इसको टेक्स्ट टूल को सेलेक्ट करना है। उसके बाद में जो फॉन्ट हमें जिससे लिखना है वो सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ से टाइप होगा। सपोज कि मैंने अपना टाइप किया कलर स्टूडियो, हमारा कलर स्टूडियो है, कलर स्टूडियो में टाइप कर लिया है। यहाँ पे इसको क्लिक लेना है, इसको छोटा बड़ा प्लेस करने के लिए, यहाँ से छोटा बड़ा करना है, तो यहाँ पे साइड में इसको स्क्रॉल करने के बाद कहीं और लेना है, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे इसको पकड़ के हम कहीं भी। सपोज इसको कलर देना है, कलर कलर में हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कलर देने के लिए। इसमें हम यहाँ से फूल सेट करने, रेड, येलो, जो भी कलर यहाँ पे सेट हो रहा है, तो वो हम इसको कलर, सपोज मैंने इसमें व्हाइट कलर दिया, बैकग्राउंड रेड कर देता हूँ, दोनों की कॉन्ट्रास्ट मैचिंग बहुत अच्छी है। अभी इसके बाद में सपोज कि हम और टूल्स डिजाइन करना है, जैसे कि स्क्वायर, रेक्टेंगल, कुछ ड्रॉ करते हैं, यहाँ पर सपोज बना लिया, इसको फिर से कलर देना है, तो यहाँ से इसको कलर दे सकते हैं। सो इसके बाद में आप अपनी टूल नेक्स्ट टूल वाले, इसमें क्या होता है कि इसमें कोई भी जो ऑब्जेक्ट है उसकी शेप को अगर चेंज करना है, तो ये वाली टूल यूज होगी। सपोज कि जैसे यहाँ से किसी की शेप नहीं होती, तो कंट्रोल करते हैं। अभी मैं आपको कोलर कोरल की छोटी छोटी जो कमांड्स हैं जो कि हमारे बहुत यूज़ में आने वाली है, वो मैं आपको बताता हूँ। सपोज कि यहाँ पे ये बॉक्स बना हुआ है, ये हमारा बॉक्स बाहर है, ये सेम कलर हमें यहाँ पे डालना है, तो आपकी कोरल की कलर आई ड्रो कर, यहाँ से इसको पिक करके इसको सेम कलर आप डाल सकते हैं। एक चीज़ आपको वापस लेना है, F4 दबाने पर आपकी आपकी स्क्रीन वापस शो करनी स्टार्ट हो जाएगी। इसके बाद में सपोज कि अगर आप ये कमांड चूज नहीं करते, कोई और कमांड आपको भेज देंगे, आप स्विफ्ट राइट क्लिक से सेलेक्ट करके इस बॉक्स को यहाँ प्लेस कर दीजिए, वो कलर सेम आपका वहीं पर पोस्ट हो जाएगा। अभी हम बेसिकली जो सबसे पहले जो सिखाने जा रहे हैं वो बैनर डिजाइन। सपोज कि कोई भी शॉप का आपको बैनर डिजाइन करना है, सबसे ज़्यादा वही यूज़ में, सपोज कि शॉप के बैनर का साइज़ 8x8 फिट, तो हमने ये अपना बॉक्स ले लिया जिसमें हमको डिजाइन करना है। चूज करने के बाद सपोज कि यहाँ पे कलर चूज कर लीजिए, मैं ब्लू कर लिया, ब्लू के और रेडियन देखेंगे, ब्लू के राइट क्लिक कीजिए, बहुत तरीका जिसमें आप ब्लू के और कलर चूज कर सकते हैं। इसके बाद बैनर डिजाइन के बाद यहाँ पे शॉप का नाम लिखना होगा। सपोज कि मैंने यहाँ से KBC का फोन लिया है, यहाँ पे मैं टाइप करना हूँ कलर गणपति, यहाँ पे फोन इलेक्ट्रॉनिक्स ट्राई करने के बाद मुझे वापस से एक टूल को चूज करना पड़ेगा, तो मैंने फोन उठाया, वापस से साइज आइए, यहाँ पे इसको वापस से फिक्स कर दिया। बैनर के अंदर ऑफिस में हम सब डिलीट कर देते हैं, वहाँ पे शॉप का नाम आ गया। अब यहाँ पे आप अपनी जो भी इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड प्रोडक्ट लगाने हैं, अगर वो बॉक्स में लगाने का बॉक्स में लगा सकते हो, नहीं तो आप ये दिखाई लगा सकते हो बॉक्स में लगाने, तो यहाँ आप अपने बॉक्स यूज करिए, सपोज वन, और किसी बॉक्स को कॉपी करने का कंट्रोल डी कमांड मिल जाएगी, डी से कॉपी करते हैं, इनको सीक्वेंस में करना है तो कंट्रोल पी दबाइए, पी दबाने का सीक्वेंस में यहाँ पे। सपोज की इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स डाउनलोड करते हैं, वो इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स, सपोज की ये प्रोडक्ट्स हम डाउनलोड करते हैं, यहाँ से कॉपी किया, यहाँ पे पेस्ट किया, ये हमने जो कमांड यूज़ में लिया वो पावर क्लिक, पावर क्लिक का मतलब होता है इस बॉक्स के अंदर हमने जितना भी प्रोडक्ट हो जिस इमेज को ऐड किया है उतना ही शो करेगा। इस इमेज को अगर और सेट करना है तो कंट्रोल भी क्लिक करके वापस इसमें सेट करना। अभी हम इसमें बाकी के बॉक्स को डिलीट कर देते हैं। यहाँ पे सपोज कीजिए कि आपको जो भी शो कर सब कुछ लोगो लोगो डिज़ाइन करना है, कुछ लोगो लगाना है, लोगो डिज़ाइन या उसके प्रोडक्ट्स, तो यहाँ पे आप वापस से फोन को कॉपी, यहाँ पे आप लिखिए हमारे यहाँ जो जो भी आता है हमारे यहाँ कुछ क्वालिटी, यहाँ पे हम इसको टाइप करके वापस से कॉपी। अभी हमें इसको कलर देना है, सपोज कि हम इसको कलर देते हैं, सपोज अभी हमें इस GE का लोगो चाहिए, सपोज GE का लोगो, तो आप डिजाइन है, ठीक है ना, आपको बहुत अच्छा टाइप करता हूँ, GE का लोगो निकाल दिया, यहाँ पे GE का लोगो गूगल मिलेगी, यहाँ पे टाइप किए GE लोगो, तो कोई भी वेक्टर फाइल किया फाइल देखिए वो बनाने बहुत आसान। सपोज मैंने ये चूज किया, इसलिए कॉपी किए, यहाँ से डालिए, यहाँ पे पेस्ट किए, राइट क्लिक कीजिए, फिर वापस ऑप्शन दीजिए, ये आपका लोगो बनकर तैयार है। इसको कंट्रोल ई कंट्रोल यू कंट्रोल कमांड का यूज करिए, ये हमने GE का लोगो बनाया। तो ये बैनर बनाने का एकदम बेसिक सा तरीका था।
अभी इस बैनर को सेव करने की फाइल जाएगी बस कंट्रोल सेवस, जहाँ पे भी सेव करना है, सपोज डेस्कटॉप पे सेव करना है, कंटेंट सेव किया, हमारे फाइल सेव हो गया।